रीज़न ये है कि जितना काम मैंने आपको करवा दिया ना, उसमें क्रेड के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसके काबिल हो गए हैं। अब आप मल्टी पेज, अभी हम उसके ऊपर मूव करते हैं, अभी हमने वो किया नहीं है। वो राउटिंग होगी, राउटिंग सीखेंगे हम, फिर पता लगेगा वो हमें, ठीक है। अच्छा, क्रेड ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होगा? पेज लोड होते ही सारा डेटा लोड होगा। नहीं, चलो सबसे पहले तो पोस्ट होगा ना, कि फॉर्म पे लिखा, तीन चार जो भी इनपुट आइटम्स थे वो फॉर्म पे आपने लिखे और सबमिट का बटन दबाया। तो सबमिट का बटन दबाने पे एपीआई कॉल सिखा चुका हूँ मैं, इनपुट से डेटा उठाना भी सिखा चुका हूँ और एपीआई कॉल भी सिखा चुका हूँ। तो आपने इनपुट डेटा उठाया, एपीआई में रखा और कॉल किया, डेटाबेस तक पहुँच गया, डेटाबेस में क्रिएट हो गया वो, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अगला काम उसको गेट करना है कि जी पेज लोड हो तो एपीआई कॉल और गेट होके वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। वो भी सीख चुके हम, सीख चुके हैं ना, अभी आज सीख लिया यूज़ इफेक्ट के अंदर। जैसी पेज लोड हो एपीआई कॉल होगी और डेटा आएगा और ला के उसको स्टेट में रख लिया, और स्टेट पे रख लिया तो उसको स्क्रीन पे रेंडर भी करवा लिया। एपीआई देखो, ये जो मैंने एपीआई कॉल की है, ये वाली देखो, ये वाली जो एपीआई कॉल मैंने की है, ये किसकी एपीआई है? स्टैटिक पेज नहीं है क्या मतलब? नहीं नहीं, ये देखो रिएक्ट की ऐप अलग होगी, एक्सप्रेस की ऐप अलग होगी, ये दो अलग अलग ऐप्स है ना, ये मिक्स नहीं होगी आपस में। हाँ, फ्रंट एंड फोल्डर अलग होगा। रिएक्ट की ऐप को होस्ट करना भी वैसे हमने सीख लिया है, एक्सप्रेस के अंदर ही सीख लिया ना, हमने नहीं सिखाई अभी। चलो वो मैं सिखा दूंगा, बाद में सिखा दूंगा, फिलहाल के लिए रिएक्ट की ऐप अलग और एक्सप्रेस की ऐप अलग कर लो, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। जैसे ये अभी एक स्टैंड अलोन ऐप है, अब आपका सर्वर होस्ट हुआ है ना साइक्लिक पे, गूगल क्लाउड पे, उसका यूआरएल है ना आपके पास, वो यूआरएल आप हिट करो जैसे ही हिट हो रहा है, सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। बहरहाल रिएक्ट की जो ऐप है वो एक्सप्रेस पे होस्ट करना मैं बता दूंगा आपको, अगर मैंने नहीं बताया तो, ठीक है, वो अगली किसी क्लास में बता दूंगा मैं। अच्छा, लेकिन वो जस्ट लाइक फायरबेस होस्टिंग है यार, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फायरबेस होस्टिंग पे कर लो या अपनी अपने ही सर्वर में कर लो, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में भी अलग अलग रख दो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फ्रंट एंड को फायरबेस होस्टिंग पे या नेटलीफाई की होस्टिंग पे करते हैं और बैक एंड जो है वो गूगल क्लाउड पे होता है, तो इट्स ओके, सही है, एक ही बात है। तो नंबर दो क्या कर लिया जी, कि पेज लोड होने पे सारा का सारा डेटा एपीआई कॉल से मंगवा के और उसको स्क्रीन पे रेंडर करवा दिया, ये हम दोनों देख चुके हैं। अच्छा, नंबर तीन काम कि जी वो डिलीट का बटन दबाओ तो डिलीट हो जाए, ठीक है, डिलीट का बटन दबाऊँ तो डिलीट हो गया। तो वो तो मेरा ख्याल है कि इतना ईजी सा है काम कि वो थोड़ा सा आप खुद रिसर्च करें कि जी बटन के क्लिक के ऊपर जो है, आपको बटन के क्लिक के ऊपर आप जो फंक्शन हिट करेंगे तो उस फंक्शन में समहाउ अपने वो आईडी पकड़ के पास करनी है, ठीक है। इतना तो मेरा ख्याल है हो सकता है, एटलीस्ट शुरू के दो तो हो सकते हैं ना, तो ये इतना आपने करके लाना है और फिर हम उसको आगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आपको वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक। अच्छा जी, तो हमारे पास इस वक्त एक वेदर ऐप है जिसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास करंट वेदर आ जाता है, और यहाँ पे मैं ऐसे कराची लिख के सेंड करता हूँ तो, या मैं लाहौर लिख के करता हूँ हिट, तो यहाँ पे उसका वेदर आ जाता है। अच्छा, इस ऐप को अब मैंने क्या करना है, होस्ट करना है, रिएक्ट की ऐप को होस्ट करना है मुझे अपने एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर, ठीक है। वो मैं कैसे होस्ट करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि इस ऐप की ना एक कॉपी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता, इसको पहले मैं तो रोक लेता हूँ मैं, सही है, पहले मैंने इसको रोक दिया, और इसको नाम दे देता हूँ मैं 3 वेदर ऐप। ये क्या सीन है भाई, ठीक है, पहले तो मैंने ये कर दिया, इसको 3 वेदर ऐप कर दिया। अब ये कर देता हूँ कि जी वेदर ऐप ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कर देते हैं इसको एक कॉपी बनाते हैं इसकी, यहाँ पे कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने इसको, इसको यहाँ थोड़ी पेस्ट करना था, सही है, इसकी एक अदद मैं कॉपी बना रहा हूँ, और इस कॉपी के अंदर मैं नाम क्या लिख दूंगा इसका कि जी होस्टिंग रिएक्ट ऐप ऑन एक्सप्रेस सर्वर, ऐसे करके होस्टिंग ऑन सर्वर, सही है, ये चल रहा है। अच्छा, इतने में जो है ना, हम जो हमारा जो सर्वर था हमारा, वो किधर गया हमारा, जो
स्टेटिक होस्टिंग जहाँ पे हमने पढ़ा था ना, वो वाला पार्ट ढूंढ लेते हैं ज़रा, और उसी को हम दोबारा से जो है ना वो करते हैं। अच्छा, स्टेटिक होस्टिंग हमने इसमें पढ़ा था ना, पब्लिक का फोल्डर ये बनाया हुआ हमने, और ये मेरा सर्वर है टोटल। तो ये मैं पूरा का पूरा ये जो सर्वर है ना इसको उठा लाता हूँ इधर। अच्छा, आमतौर पर फोल्डर का जो स्ट्रक्चर होता है ना रिएक्ट की ऐप के अंदर, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो रूट होता है ना वो एक सर्वर होता है। जो रूट फोल्डर होता है उसमें एक सर्वर होता है, और सर्वर के अंदर एक वेब का फोल्डर बना होता है जो कि एक पूरी रिएक्ट की कंप्लीट ऐप होती है। अगर मुझे सेम रिपोजिटरी में दोनों को रखना है तो उस सूरत में मैं फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो MongoDB वाला पूरा का पूरा फोल्डर है ना मेरा, इसको भी उठा के ले आता हूँ अपने यहाँ रिएक्ट के फोल्डर के अंदर। सही है, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और इसका मैं नाम क्या रख देता हूँ, एक्सप्रेस स्टेटिक होस्टिंग रिएक्ट ऐप। सही है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, ये एक पूरा का पूरा सर्वर है, और इस सर्वर के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक अदद वेब का फोल्डर होगा जो कि पूरे की पूरी एक रिएक्ट की ऐप होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो बाहर मैंने अभी एक कॉपी बनाई है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वेब है ये। ठीक है, और ये वेब कहाँ पर होगा, ये इसके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा पब्लिक नहीं होगा वो ऑब्वियसली। ठीक है, पब्लिक का कोई काम नहीं है मेरे पास, पब्लिक मैंने HTML के टाइम पे बनाया था, तो मैंने ये कर दिया। अच्छा जी, ठीक हो गया, सेव हो गया, ये सब कुछ ओके हो गया। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जो लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी वेदर ऐप वाली, वो कंप्लीट वेदर ऐप यहाँ पर मौजूद है। अभी जो हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक, अच्छा इसको 4 डॉट भी लगा देते हैं इस पर। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैंने रखा है एक्सप्रेस स्टेटिक होस्टिंग रिएक्ट ऐप, और ये एक पूरा का पूरा सर्वर है। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली वो करड़ ऑपरेशन वाला भी काम पूरा का पूरा इसमें हुआ हुआ है। ठीक है, एक ये पूरा का पूरा एक सर्वर है, इसके अंदर सर्वर .js और ये पैकेज .json और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये वेब का फोल्डर है, ये कि पूरी की पूरी एक रिएक्ट की ऐप है ये। ठीक है, अब इसको, इस ऐप को चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ऐप को चलाने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं इसके फोल्डर में जाऊँगा cd4। सही है, ये मैं सर्वर के फोल्डर में आ गया, सर्वर के फोल्डर में आके मैंने कहा npm run dev, ये मेरा सर्वर क्या हो गया, चल गया। अच्छा, सर्वर को क्या मसला हो रहा है, इसको वो नहीं मिल रहा, npm के मॉड्यूल इसको शायद नहीं मिल पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि npm के मॉड्यूल नहीं मिल रहा। अच्छा, हमने सर सर्वर होने दिया, इसमें स्टैटिक होस्टिंग हुई भी कि नहीं हुई भी, स्टैटिक होस्टिंग हुई भी तो है इसमें, हुई भी है स्टैटिक होस्टिंग इसमें हुई भी है। ठीक है, वैसे भी मैं वो पुराना कोड सारा रिमूव करूंगा, वो एक ही लाइन छोड़ूंगा मैं स्टैटिक होस्टिंग वाली, उसमें उसके अलावा बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर दूंगा इसमें से। वेल, तो इसको मैं कर देता हूँ npm i, ताकि इसका जो है ना वो डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो जाए इसकी। अरे हाँ यार, ये तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सर्वर के अंदर रखा था, ये क्रड वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा चलो, फिर एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सही है, और इस पूरे को भी हम, ये नंबर 4 जो बनाया था उसको भी पूरे को डिलीट करते हैं, नए सिरे से बनाते हैं। ठीक है, जो यहाँ वे मेरा वाला कोड है उससे बना के लाते हैं। इसको मैं कहता हूँ 5 डॉट रिएक्ट है ये। सही है, 4 डॉट रिएक्ट नहीं है, 5 डॉट रिएक्ट। और इतने को मैं क्या कर देता हूँ, पहले मैं कर देता हूँ फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन कर दी मैंने इसकी पहले। सही है, ये कर दिया, सीधा कर दिया इसको मैंने, बिल्कुल 5 रिएक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं गया सर्वर में, और मेरे पास जो जो सबसे लास्ट वाला सर्वर था JWT ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर आई होप के हाँ वो पब्लिक है ना मौजूद है, इसके अंदर राउटर शाउटर सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं इस ये JWT ऑथेंटिकेशन वाले को यहाँ पे से लेकर आ जाता हूँ। सही है, जो कि ऑब्वियसली अभी मैंने अगला काम भी वही करना है, लॉग इन साइनअप वगैरह इस पर इंटीग्रेट करना है ना मैं रिएक्ट की ऐप के ऊपर, तो उसमें मुझे काम भी आएगा ये। और मैं इसको क्या करता हूँ, ला के रिएक्ट के इधर लाके पेस्ट मारता हूँ, और मैं इसको अब नाम देता हूँ क्या, 4 डॉट एक्सप्रेस स्टेटिक होस्टिंग रिएक्ट ऐप। सही है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने क्या करना है, रिएक्ट की ऐप के लिए एक वेब का फोल्डर बना के उसको यहाँ पे पेस्ट मारना है। तो मैंने कॉपी किया इस वेदर ऐप को, और इस पर आके मैंने ये अंदर इसके पेस्ट मार दिया। ठीक है, और इसका नाम मैं अभी रीनेम कर दूंगा, जो ज़रा कॉपी हो जाए।
फिर इसका नाम मैं रीनेम कर दूंगा। ठीक है जी, ये कॉपी हो रहा है स्टिल। ठीक है जी, ये कॉपी कंप्लीट हो गया। इसको आके मैं रीनेम कर देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ वेब। अच्छा जी, अगेन अब हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि जो वेदर ऐप हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो वेदर ऐप इधर आ गई, जो कि कंप्लीट वेदर ऐप है, उसमें यूज़ इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं। और नंबर फोर के ऊपर जो है वो मैंने अभी अभी एक सर्वर तैयार किया पूरा का पूरा, जिसके अंदर एक्सप्रेस का सर्वर है और इसमें जो पैकेज डॉट जेसन है ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर एक वेब के नाम से एक फोल्डर है। ठीक है, और वेब के नाम से जो फोल्डर है ये मेरी रिएक्ट की ऐप है। अच्छा, तो रिएक्ट की ऐप जो है, अब इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। मैंने कहा कि जी सी डी फाइव रिएक्ट और सी डी फोर एक्सप्रेस स्टेटिक होस्टिंग, ये हो गया जी। अब एक्सप्रेस स्टेटिक होस्टिंग जो है वो क्या, मेरा एक सर्वर का फोल्डर है जिसमें npm रन dev कर देता हूँ मैं, ताकि ये सर्वर चल पड़े। ये मेरा सर्वर चल गया, 3000 पोर्ट के ऊपर ये सर्वर मेरा क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ और डुप्लीकेट मारता हूँ, यानी दो टर्मिनल में बैक टू बैक खोल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं cd करके वेब में जाता हूँ। अब ये मैं वेब में आ गया हूँ ना, अब मैंने वेब को अगर स्टार्ट करना है तो npm स्टार्ट करूँगा, तो ये वेब मेरा डेवलपमेंट में चल जाएगा। तो डेवलपमेंट के टाइम पे मैं सर्वर को अलग चलाऊंगा और इसको अलग चलाऊंगा, इस तरह करके मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, किसी एक का पोर्ट चेंज कर दूंगा मैं अपने सर्वर पे आके उसको मैं कर देता हूँ 5000। ठीक है, अच्छा 5000 मेरे कंप्यूटर के अंदर रिजर्व है, 5001 कर देता हूँ मैं। सही है, 5000 मेरे कंप्यूटर में क्या है, रिजर्व है। ठीक है, npm run dev किया, अरे 3000 ही क्यों दे रहा है अभी भी ये। हाँ, ENV के अंदर मैंने 3000 लगाया हुआ है। चलो 5001 हो गया। अब मैं ज़रा रिएक्ट की ऐप को रोक के दोबारा चलाता हूँ तो ये बिल्कुल सही चल जाएगी। ठीक है जी, ये मेरी रिएक्ट की ऐप चल पड़ी है 3000 के ऊपर, और मेरा सर्वर चल रहा है इस वक्त 5000 के ऊपर। अच्छा, लेकिन मुझे अभी डेवलपमेंट में तो चलाना नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट ऐप है, तो मैं ये डेवलपमेंट वाले को मैं रोक देता हूँ। तो ये डेवलपमेंट के टाइम पे हमने क्या देखा कि सर्वर अलग चलेगा, फ्रंट एंड अलग चलेगा। वंस ये डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है ना फ्रंट एंड की, तो आप क्या करोगे, आप npm रन बिल्ड इस पे चलाओगे। सही है, सूडो के साथ मोस्ट प्रॉब्ली। सही है, बिल्ड चल गई। बिल्ड चलने से क्या हुआ कि आपके जो वेब का फोल्डर है उसमें एक बिल्ड का फोल्डर बना हुआ आ गया। ठीक है, और आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने आके ये मेरा पूरा सर्वर था, अब इसमें क्या काम हुआ भाई, डजेंट मैटर। ये जो स्टेटिक वाला जो है ना फोल्डर सारा का सारा, पहले मैं क्या करता था, पब्लिक का फोल्डर बताता था ना इसको, अब मैं बताऊंगा कि भाई हाँ /web/build। ठीक है, अभी स्टेटिक यहाँ पे दो दो बने हुए, एक को मैं हटा रहा हूँ। मैंने कहा बस ये एक ही मेरा फोल्डर है, इसी में सब है। तो अब मैं आके जब क्या करूँगा, मेरा सर्वर किस पे चल रहा है, 5001 पे चल रहा है ना, तो मैं लोकल होस्ट 5001 जब हिट करूँगा ना, अब तो स्लैश की रिक्वेस्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा मेरे पास ये रिएक्ट की ऐप उठ के आ गई। बस ये रिएक्ट की ऐप होस्ट हो गई, ऐसे ही होस्ट कर देना। जो बिल्ड का फोल्डर है ना, एक बात याद रखो, ये जो बिल्ड का फोल्डर है ना, रिएक्ट जो बिल्ड बनती है, ये बिल्ड का फोल्डर जो है, इट इज़ जस्ट लाइक अ प्लेन HTML जावास्क्रिप्ट ऐप। जो हम index.html बनाते थे और जावास्क्रिप्ट लिखते थे उसके अंदर, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट की ऐप को हम कहीं पे भी भेजते थे और होस्ट कर देते थे, तो इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऐप। नहीं, वेब इसका नाम आमतौर पे लोग रखते हैं, लेकिन आप किसी भी नाम से बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, नहीं, फायरबेस होस्टिंग तो मैं देखो पहले बता चुका हूँ ना आप लोगों को, फायरबेस होस्टिंग तो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना। हाँ,
देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। देखो मेरा जो सर्वर था ना, मेरा ये एक्सप्रेस का जो सर्वर था, ये मेरा क्या है, ये वाला मेरे एक्सप्रेस का सर्वर है। इसको मैं कहाँ होस्ट करूँगा, साइक्लिक पे, गूगल क्लाउड पे, या जहाँ पे भी एक्सप्रेस का सर्वर होस्ट होता है। एक्सप्रेस का सर्वर मैंने होस्ट कर दिया, मुझे एक यूआरएल दे दिया उसने, वो यूआरएल था abc.com, वो यूआरएल दे दिया मुझे। अच्छा अब मैं abc.com/ हिट करूँगा, abc.com/api/v1, तो ये वाली API हिट होगी ना, सही है। अच्छा इसी तरीके से मैं abc.com जस्ट हिट करूँगा ना, तो कौन सा हिट होगा, ये स्टेटिक हिट होगा, ठीक है, ये स्टेटिक वाला हिट होगा। अच्छा स्टेटिक वाले को मैं शायद सबसे टॉप पे रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको वैसे सबसे लास्ट में भी रखा जाता है, लेकिन अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, शुरू में रखना है कि लास्ट में रखना है, ये इंशाल्लाह जब हम राउटिंग पढ़ेंगे ना उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि राउटिंग से पहले ये वाला इशू आपके पास आएगा नहीं कि इसको शुरू में रखें या आखिर में रखें, कहाँ रखें ना, ये राउटिंग से पहले ये इशू आएगा नहीं आपके पास। राउटिंग वंस आप कर लोगे तो उसके बाद ही ये इशू आता है। वेल ये शुरू में हो या आखिर में हो, इट डजेंट मैटर अभी फिलहाल के लिए, वो इट डजेंट मैटर इस वजह से कि वो क्या करेगा, abc.com/ के बाद ना index.html होगा तो इंडेक्स की फाइल उठा लेगा, सही है। अगर abc.com के पास जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम होगा तो वो उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वंस आप होस्टिंग करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई कैसे करना है कि सही हो गया कि नहीं हो गया। आप इधर आओगे, ये क्या चल रहा है, ये मेरे सर्वर का URL ना, लोकल होस्ट 5001। तो आप इसको इमेजिन करो होस्टिंग के बाद ये क्या बन जाएगा, abc.com। तो abc.com पे आपने रिक्वेस्ट मारी और यहाँ नेटवर्क में आप आएंगे, ये तमाम फाइलें अगर सही तरह लोड हो गई हैं तो इसका मतलब है ये होस्टिंग सही हो गई है। अगर कोई एक फाइल मिस हो रही है, कोई एक फाइल नहीं लोड हो पा रही, तो इसका मतलब है होस्टिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, ठीक है। फायरबेस होस्टिंग में आपको ये चीज़ ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये उन्होंने खुद हैंडल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप ये खुद काम करेंगे तो आपको यहाँ पे आके एक दफ़ा चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि इंडेक्स की फाइल लोड हो जाती है लेकिन इंडेक्स के अंदर की जो फाइल है वो लोड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन भी समटाइम हो रही होती है। तो ये लेकिन एक लाइन हमने लिखा है और ये हमारी क्या हो गई है, एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर इसकी होस्टिंग हो गई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग जो क्रेड ऐप बनाएंगे उसको आपने गूगल क्लाउड पे होस्ट करना है, जिसमें रिएक्ट और सर्वर दोनों एक ही साथ होस्ट हुआ हो। हाँ रेंडर पे भी कर लो, लेकिन रेंडर में फिर लिमिटेशंस है ना, वही अच्छा $1 चार्ज करने के बाद क्या पेमेंट है उसकी, हाँ नहीं कहीं भी हो लो होस्ट कर लो, ये वाला इशू नहीं है। अगर आपको render.com के ऊपर मुनासिब लग रहा है और वहाँ पे होस्टिंग, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ होस्टिंग किसी अच्छी जगह करो ताकि डाउन ना हो। अभी तुम लिंक्डइन पे उसको शेयर करोगे, किसी ने लिंक खोला पता लगा वो चल ही नहीं रहा है ना, गूगल पे होना चाहिए। हाँ तो कुछ इस तरह की सेटिंग करो कि वो डाउन ना हो एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती जब तक तो वो चले। हमें सही है सही है, ये सबको सिखा दो यार कैसे तुमने जैसे भी किया, ठीक है। ये अनलिमिटेड वाला इन्होंने जो ढूंढा है ना रेंडर के ऊपर, ये इससे सीख लो यार सब लोग जिनको भी मसला आ रहा है। इसने कार्ड लगा दिया ना उस पर, हाँ तो गूगल क्लाउड पर भी कार्ड लगाओगे तो वो भी $1 चार्ज करेगा, तो ये भी कर लो। नहीं बंद तो हो जाएगा, लेकिन उसका फ्री टियर तो है ना $300 वाला, वो नहीं है। नहीं वैसे भी एक एक इंस्टेंस शायद फ्री होता है उसके अंदर, एक इंस्टेंस के ऊपर जितनी मर्जी सर्विस चलाओ आप, एक ही इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चलाते जो आप, नहीं मना करता वो आपको, है ना, मना करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने क्या सीख लिया कि एक रिएक्ट की ऐप को बिल्ड करके उसको हमारे एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर ही कैसे होस्ट करना है। अच्छा अब ये एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर आ गई है मेरी ऐप। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है कि इस ये अब फुल स्टैक ऐप की तरह हम जा रहे हैं ना, कि हमारे पास सर्वर भी है और हमारे पास फ्रंट एंड भी है, डेटाबेस भी कनेक्टेड है, सब कुछ है। तो ये मर्न स्टैक, ये फुल स्टैक की तरफ हम ऑलमोस्ट अब मूव कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम मज़ीद आगे का काम करेंगे और हमारा जो अगला टारगेट है जो हमने अब यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी उससे हमने ऑनवर्ड्स जो शुरू करना है वो हमने बनानी है एक अदद सोशल मीडिया ऐप। सोशल मीडिया ऐप में क्या होगा, सबसे पहले होगा लॉगिन साइनअप, उसके बाद होगा वो क्रड के पोस्ट कर रहा है बंदा, पोस्ट आ रही है, ये होगा। नंबर 3 एक चैट ऐप होगी उसके अंदर, कि जो बंदा यानी साइनअप हो गया और जो पोस्ट कर सकता है वो चैट भी कर सकता है दूसरे यूज़र्स से,
ये तीन चीज़ें हो गई, और चौथी चीज़ उसके अंदर हम इंस्टा लगाएंगे सर्च, ठीक है, उसके अंदर हम सर्च भी लगाएंगे कि जो टॉप पे जो है ना, यानी जितनी भी लोगों ने पोस्ट की है उसके ऊपर, टॉप पे मेरे पास एक फील्ड बनी हुई आ रही है, वहाँ पे मैं लिखूँ और वो सर्च होकर वो पोस्ट आ जाए, ठीक है, पोस्ट को सर्च करने वाला हिसाब किताब भी हम लगाएंगे। अच्छा, वो वंस पोस्ट को सर्च करेंगे तो मैसेज सर्च वाला भी बिल्ट इन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ना एक फुल स्टैक एक एप्लीकेशन बनानी है, नहीं वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं वेब आरटीसी के जरिए, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे फिलहाल, वेब आरटीसी, ठीक है, हम इसमें फिलहाल वो वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लॉगिन साइन अप बनाएंगे, लॉगिन साइन अप प्रॉपर वाला। अच्छा, फिर ये जब चार काम हो जाएंगे ना, तो पांचवा काम ये होगा, उसमें हम सोशल लॉगिन कोशिश करेंगे हम ऐड कर लें, ठीक है, सोशल लॉगिन यानी फेसबुक और गूगल वाला ये सारे लॉगिन। अच्छा, वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन नहीं, कचरा वो नहीं, पासपोर्ट जीएस करके एक लाइब्रेरी होती है एक्सप्रेस के अंदर, उसके जरिए जो प्रॉपर तरीका है, ठीक है, फायरबेस तो ये वो बच्चों के लिए वन क्लिक बना के दिया है ना उन्होंने, तो वो वाला नहीं, पासपोर्ट जीएस वाला। लेकिन इतना सारा काम करने के लिए मुझे आप सब लोगों की क्या चाहिए, सपोर्ट। आप सब लोगों की सपोर्ट मुझे ऐसे चाहिए कि अगली क्लास में आप करड़ ऑपरेशन खुद से बना के लाएंगे, तो फिर उसी एप्लीकेशन में आपकी किसी की ऐप लेके उसके ऊपर लॉगिन साइन अप करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे वहाँ से, ठीक है। अगर करड़ ऑपरेशन नहीं करके लाओगे, मैं यहाँ पर करड़ ऑपरेशन करूँगा, एक दिन उसमें चला जाएगा, करड़ ऑपरेशन दो घंटे लगता है।